नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के युवाओं से जब भी आप बात करेंगे, आपको वो सरकारी नौकरी की या तो तैयारी करने की सलाह देते दिखाई देंगे या फिर सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। नहीं तो उनकी इच्छा तो जरूर होगी कि वो सरकारी नौकरी करे ही करे। ऐसे में अगर कोई सरकारी नौकरी की इच्छा छोड़कर व्यापार करने की बात कहे तो आसपास के लोग तो उसे खूब नसीहत देंगे, लेकिन किसी ने सही कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसा ही कुछ मानना है बिहार के जहानाबाद निवासी सूर्य प्रकाश का। जहानाबाद के रहने वाले सूर्य प्रकाश ने हाल ही में ये संदेश दिया कि नौकरी की आस छोड़िए, व्यापार से नाता जोड़िए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। साल 2019 में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी थी, जिसके बाद उन्होंने उसी साल मशरूम का उत्पादन शुरू किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने महज 2 कमरों में की। आज आलम कुछ यूं है कि वो हर दिन औसतन 2000 रुपए की कमाई कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश की माने तो जिस व्यापार की उन्होंने शुरुआत की है उससे सालाना औसत उन्हें 10 लाख रुपए मशरूम की खेती कर कमाने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कैसे वो सीजनल प्लांट लगाने की सोचने लगे और कैसे 2 कमरों में साल भर खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि सूर्य प्रकाश मूल रूप से राजनीतिक शास्त्र से एमए हैं। साल 2015 में वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने पहुंचे थे, जहां लगभग 3 साल तैयारी की। उसके बाद जब वो सफल नहीं हुए तो वो वापस गांव लौट आए। हालांकि उन्हें उम्मीद बहुत कम थी कि यूपीएससी की परीक्षा वो क्रैक भी कर पाएंगे। यही कारण है कि साल 2019 में सीजनल प्लांट लगाकर मशरूम की खेती उन्होंने शुरू की। हालांकि ऐसा नहीं था कि जैसे ही सूर्य प्रकाश ने अपने उद्योग की शुरुआत की उन्हें परिणाम मिलने लगे, बल्कि 1 साल तक तो उनके उद्योग से भी कोई खास कमाई नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे साल में अच्छी पैदावार हो रही थी। मार्च 2021 में घर में ही 2 कमरों में मशरूम की खेती शुरू की और अब सालाना 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। सूर्य प्रकाश की माने तो मशरूम की खेती के लिए सबसे जरूरी कंपोस्ट की तैयारी है, क्योंकि सारी पैदावार पूरी तरह से इस पर ही निर्भर करता है। सबसे पहले कंपोस्ट बनाने के लिए सभी चीजों को एक खास अनुपात में होना चाहिए। पहले 1000 किलो गेहूं के भूसे की जरूरत होती है, जिसमें चिकन मैनुअर यानी कि मुर्गी की बीट 30% या सरसों की खली 30% डाली जाती है। इसके अलावा भी पूरा प्रोसीजर को फॉलो अप करना पड़ता है, जिसके बाद ही कंपोस्ट को एक बैग में डाला जाता है। इस बैग को ठंड में 80-85% ह्यूमिडिटी वाले रूम में रखा जाता है। इसको लेकर फायर ह्यूमिड मशीन लगाकर मेंटेन कर सकते हैं या फिर जूट बैग को गीला कर इसे मेंटेन कर सकते हैं। सीजनल प्लांट में सिर्फ ठंड में पैदावार हो सकती है, वहीं एसी कमरे में हर महीने कमाई हो सकती है। 45 दिनों में कंपोस्ट बैग में हर दिन औसतन 15-20 किलो उत्पाद होने लगता है। ठंड में 160 रुपए प्रति किलो तो ऑफ सीजन 220-250 रुपए प्रति किलो मशरूम बिकता है। इन्हीं सब का पालन करते हुए ही सूर्य प्रकाश ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सूर्य प्रकाश जैसे और भी आत्मनिर्भर व्यापारी बिहार में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।